तो यार यहाँ पे प्रिंस ऑफ पर्शिया की जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें ढाका द बीस्ट मास्टर भी प्रिंस के पीछे चेज करेगा, हमें उससे बचना है किसी भी तरह। तो कंटिन्यू करते हैं प्रिंस की जर्नी। तो अब हम सामने जा रहे हैं, सामने एक गड्ढा है, उससे जंप करना है। जंप नहीं करा मैंने, वॉल रन को फायदेमंद माना। पीछे लगता है प्रिंस को कोई आ रहा है, उसने कहा द ढाका को लगता है, ढाका ने लगता है फोन कर लिया प्रिंस को, ढूंढ लिया। और पीछे द ढाका द बीस्ट मास्टर आ रहा है, जो कि यार प्रिंस जिससे बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि वो उसे खा जाएगा अगर प्रिंस नहीं भागा तो। तो प्रिंस हमेशा इससे, अभी आधी से ज़्यादा गेम में तो प्रिंस इससे बचने की कोशिश करेगा, बाद में कुछ जुगाड़ लगा के इसे मार भी देगा। आई नो प्रिंस इज गुड बॉय बिकॉज बच गए, बच गए दोबारा ढाका से, बच गए बिल्कुल अच्छी तरह, बचे यार बिल्कुल अच्छी तरह बच गए लोग ढाका सामने आते हुए, और मैं बच गया यार वापसी। अब सामने जाना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ड्रम्स के पीछे, टाइम वैसे टाइम की कमी बहुत है क्योंकि हमारे पास, तो हम जल्दी लिख करेंगे यार सब कुछ। इधर हम सामने आ चुके हैं और इधर ये फालतू इंसान खड़ा हुआ है एक, इसका मैंने मुंह दीवार में मार दिया है, ये ख़त्म अधमरा होगा एकदम से दीवार पे टक्कर खाने के बाद। अभी हम यार पास्ट में, हमें प्रेजेंट में जाना है। पता नहीं ढाका यार यहाँ पे क्यों नहीं चेस करने आया मेरे को, वैसे वो कर सकता था पर वो नहीं आया। कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं, ये जगह पर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पर इस बार ढाका से बचने के लिए आ रहा हूँ इस जगह पर। यार ये जगह बहुत अलग है, लिटरली ये जगह बहुत अलग है। यहाँ पर एक टाइम टाइम को चेंज करने की एक जगह है, जहाँ से हम प्रेजेंट टू पास्ट जा सकते हैं, और अभी हम करंट प्रेजेंट में हैं। तो मैं पास्ट में जाना ताकि ढाका हमको ढूंढ ही ना पाए, और वो पास्ट की टाइमलाइन में कभी था ही नहीं और ऐसा हो भी नहीं पाए। इधर आगे हम आ चुके हैं यार, और ये बच गए वापसी। इधर दोबारा हम आ चुके हैं और इस बार करेंगे वॉल रन, और फिर हमने वॉल रन हुआ सक्सेसफुल। अब नीचे से जाएंगे दोबारा, नाक के से नीचे निकलना है, नाक के नीचे से, ठीक है ना। तो इधर हम पहुंच गए हैं, बस आगे ही हमारा कुछ टाइम ट्रेवल वाला है सिस्टम, जहाँ से हम पास्ट में जाएंगे। ओके, तो इधर ढाका द बीस्ट को पता चलेगा कि प्रिंस यहाँ से टाइम ट्रेवल करने वाला है, तो ढाका बहुत जल्दी पहुँच चुका है। अब हमें जल्दी जल्दी भाग के आना पड़ेगा। लो ढाका पहुँचते पहुँचते बच गया। ओके, इधर प्रिंस जल्दी जल्दी भगा और इधर भग गया और सीधा बच गया, और पानी ने प्रिंस को बचा लिया, क्योंकि ढाका पानी को क्रॉस नहीं कर सकता, उसे पानी पसंद नहीं है, पानी उसके काम में बाधा डाल सकता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर सामने आ गया टाइम ट्रेवलिंग वाला सीन, तो इधर हम प्रेजेंट से अब जाएंगे यार पास्ट में, और एक वीडियो शो होगी जिसमें हमें दिखाई देगा कि हम पास्ट में जा चुके हैं। तो यार हम पास्ट में आ चुके हैं बच बुचा के, तो इधर आ गए हैं पास्ट में, टाइम ट्रेवल कर लिया हमने, और इधर हम जाना है सामने। अब यहाँ पर ढाका नहीं हो सकता क्योंकि वो पास्ट में कभी था ही नहीं, क्योंकि वो पास्ट में हो ही नहीं सकता। अब हम सामने जा रहे हैं सीधा नॉर्मली इधर। ओके, ये एक्सेस चल रही है, तो इन एक्स से बच के बचते हुए जाना है। बच गए लो इस एक्स से, जो अजीब सी सॉ चल रही थी लाइक स्ट्रक्चर। तो अब सामने जो सामने पहुंच चुके हैं यार, और इसी के साथ सामने है सैंड व्रेत। तो यार सैंड व्रेत जो है अभी मारने के मूड में लगता है प्रिंस को, पर प्रिंस जो है बचना चाहता है, तो प्रिंस बच गया। प्रिंस बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह बच गया है। तो अब हम सामने कंटिन्यू करते हैं यार, और अब मेरे को पता है इस कॉलम पे चढ़ना है मेरे को। इस कॉलम पे चढ़ने के साथ ही सामने जो जगह है उस पे जंप करना है, तो जंप कर लिया हूँ। और ये सामने जो ट्रेजर चेस्ट पड़ी है मैं पहले ही खोल चुका हूँ, मेरे को इससे आर्ट वर्क मिल चुका है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। इधर हम सामने जाएंगे, तो इधर अब हमें क्रॉस करना है फटाफट से। इधर क्रॉस कर लिया है, और यार अब हमें लेफ्ट साइड में जंप करना है। लेफ्ट साइड में जंप करती हमें एक पाथ मिलेगा, ठीक है, पाथ मिलेगा जहाँ पर एक स्विच होगा, और स्विच स्विच को एक्टिव करते ही हम एक डोर को खोलेंगे, डोर से बाहर निकल जाएंगे। तो इधर यार हम डोर स्विच मिल गया, डोर से पर्दे से नीचे आए, और इधर सामने जगह आ गई। यार यहाँ पे हमारा सेकंड लाइफ अपग्रेड है, वो मैं लिए बिना कहीं नहीं जाऊँगा। वो सेकंड अपग्रेड लाइफ बहुत ज़रूरत है उस सेकेंड लाइफ अपग्रेड की, लिटरली मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ढाका को मारना था, लाइफ अपग्रेड्स को कम्प्लीट करना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। और वो भी ई वाली पार का यूज़ करने वाला था मैं इनको फेंकने के लिए, तो इन बेवकूफ़ों को मारना पड़ेगा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इन बेवकूफ़ों को मारना, पर यार किसी भी तरह इन्हें मारना ही पड़ेगा, मरते नहीं है जल्दी से, और तंग बहुत करते हैं कसम से। इसकी सबूत उठा के मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, मैं सिंगम बनूंगा, ख़त्म, मैं बन गया सिंगम, मेरे को गुस्सा दिला दिया इन लोगों ने, ख़त्म। लो सैंड पावर मिल गई है। अब मेरे को पता है स्विच कहाँ पे है मेन वाला, तो इधर स्विच दिख गया। अब मेरे को स्लो मोशन पावर एक्टिव करनी पड़ेगी यार,
स्लो मोशन पावर एक्टिव कर दी, सैंड पावर में लगी। अब सामने हमें जाना है, एक सामने अजीब सा गेट है उधर जाना है। तो यार अब आई थिंक पहुँचना थोड़ा, ओ यस पहुँच गए, लो पहुँच गए। अब हम सेकंड हेल्थ लाइफ अपग्रेड की तरफ पहुँच रहे हैं। लो वॉल रन से मैंने अपना फ़ायदा उठाया बिल्कुल, और यहाँ पॉसिबली मैं दोबारा फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा। वॉल रन करना है वापसी, पर इस बार परफेक्ट वॉल रन होना चाहिए यार। आई थिंक मेरे को टाइम को स्लो डाउन कर देना चाहिए, टाइम स्लो डाउन हो चुका है। और अब अरे यार शिट, वेस्ट कर दूंगा मैं तो ऐसे अपनी टाइम लाइन एक्टिविटीज़ को। तो इधर बच गए हैं यार, बचते हुए जाना है। अब लगता है वॉल रन करना इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए। अरे यार शिट, अब तो यार और हेल्थ कम होगी मेरी, पागलपंती कर रहा था मैं क्या तब से। अरे प्रेस को चेप देंगे यार दीवार में। अरे यार शिट, चेप दिया ना प्रेस को यार दीवार में, अब बचना पड़ेगा यार। अब यार एक लाइफ के साथ पता नहीं इसको कैसे कंटिन्यू करूंगा, पर करना पड़ेगा यार। ओ बच गए भाई, बच गए। ओ प्रेस को चेपते चेपते बच गए, प्रेस अभी दीवार में चेप दिया जाता वापसी। इधर हम सामने बस पहुंचने वाले हैं यार, डाउन 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 टू हेल हो गया है हमारे वाला सीन। अरे यार शिट यार, उसका हाथ लग गया प्रिंस का, और हमें यार रिकंटिन्यू अब करना पड़ेगा अब किसी भी तरह फटाफट से। गेम ओवर नहीं हुए यार, मैं गेम ओवर मेरी कभी होती नहीं, दोबारा रीट्री करेंगे, रीट्री मतलब रीट्राई। तो रीट्राई कर रहे हैं वापसी, लोडिंग हो रही है सक्सेसफुली, लोडिंग हो चुकी है, अब हम ट्राई करेंगे दोबारा से। सर हम सामने उस जगह पे वापसी आ गए हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, पता नहीं क्यों यार मैं इतना पीछे आ गया। पर मैं सैंड पावर को लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊँगा, सैंड पावर इज जस्ट अ मेन थिंग यार जो मेरे को चाहिए। और यार ये मेरे को समझ नहीं आया चेक पॉइंट सेव क्यों नहीं हुआ, चेक पॉइंट सेव नहीं हुआ और मैं इतना पीछे आ गया यार। शिट यार, अब मेरे को पागल सी वीडियो वापसी देखनी पड़ेगी। इधर यार अब यार ऐसा करते हैं हम सेव पॉइंट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि सेव पॉइंट को लेना यार लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हम यार हम सेव पॉइंट को स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम बिना मैं अपग्रेड उसे बाद में कर लूँगा, किसी भी तरह देख के मैं उसको बाद में क्रॉस अप कर लूँगा। अभी हम ऐसा करते हैं, अभी हम उसको स्किप करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं जर्नी को, ठीक है। तो सेव पॉइंट को स्किप करते हैं। अरे ये क्या हो गया, गिरते गिरते उच गया। ओ पोल डांस करेगा लगता है अपने सब। वापसी को देंगे यार दोबारा ट्रेजर, तो मैंने तुम्हें किस्सा बताई दिया था ट्रेजर का, क्या कहानी हुई थी मेरे साथ। और यार दोबारा करना पड़ेगा, देखो हम दोबारा दोबारा मरते रहेंगे और दोबारा दोबारा इस चीज़ को करना पड़ेगा, तो यार अच्छा नहीं होगा। ऐसे गेम प्ले बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बार बार ट्राई अगेन करते करते मैं भी थक ही जाऊँगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम सेव पॉइंट को सेव पॉइंट मतलब हेल्थ सेव पॉइंट जो होता है उसको स्किप कर देते हैं, मैं उसे बाद में अपने आप देख लूँगा। अभी हम आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, बस फोकस ऑन जर्नी ओनली, सामने जाना है किसी भी तरह। तो यार सामने पहुँचेंगे अब सीधा, ये जो तुम देख रहे हो ना फुटपाथ, ये स्टोन पाथ सब बन चुके हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं यार पास्ट में सब कुछ ये बना हुआ था। और इधर ये है कटीली धार से भी बच गए हैं, और ये दोबारा बच गए दोनों से, कटते कटते बचे, सेव कर लेते हैं यार। तो इसी के साथ यार ये वाला गेम प्ले खत्म होता है। तो यार तुम वीडियो को छोड़ के अब जा सकते हैं, और यार लाइक सब्सक्राइब करें मेरा बिल्कुल मत जाना, मेरे को तुम्हारे लाइक सब्सक्राइब सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।